हो पाया और आगे भी ये ऐसा ही चलेगा। मैं सुनील जी से विनंती करूंगा सूतमाला पहनाकर निदेशक महोदय का वो स्वागत करें। वर्धा येथे आम्ही एमगिरीला ट्रेनिंगसाठी आलेलो आहो। तिथे आम्ही हनी सोप बनवली आणि सोप सीखे है और ये कॉफी से बना वाला सोप है। हमने यहाँ पे यमगिरी में आके वर्धा में हमने ये हनी की सोप बनाई है। आम्ही मोव्यापासून सोप बनवलेली आहे। हे चिकन करे यांची एमगिरी लास पूर्ती क्लस्टर मार्फत आम्ही आलेलो आहे। स्फूर्तिका महिला स्वयंरोजगारी म्हणजे स्वावलंबी होतील आणि त्याच्यातून आम्ही त्यांच्या 2 महिन्यापूर्वी आम्ही आमच्या क्लस्टरवर त्यांचं मॅमचं एमगिरीच्या मॅमचं प्रशिक्षण घेतलं होतं। ते तिथून उत्स्फूर्त होऊन महिलांनी इथे येऊन 5 दिवसाचं आम्ही ट्रेनिंग घेतलेलं आहे। और दूसरा आप लोगों को एक बहुत अच्छे जो बीच में हम दोनों के बीच में जो एक कड़ी है जो सुनील भालेराव के रूप में है सर, ये जो है ये मामूली व्यक्ति है नहीं वैसे, मतलब अभी लगते होंगे क्योंकि इनका पॉलिटिकल एरिया में और बाकी सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी काम रहा है। और ये मेलघाट जैसे दुर्गम क्षेत्र में जब इन्होंने शुरुआत किया था स्फूर्ति का, तब मुझे लगा कि एक पॉलिटिकल एंगल के माध्यम से ये कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाते गए वैसे उसमें इनका भी उतना हाथ नहीं है। वानगिरी और बाकी मार्केट के बीच में और सरकारों की तरफ से, चाहे वो राज्य सरकार हो या राष्ट्रीय हो, तो उसमें भी ये लोग आपकी काफ़ी मदद करेंगे और बहुत अच्छे सफलता के साथ में आप लोग आगे जाएंगे, ऐसी मैं बहुत आशा करता हूँ। और मेरे एक दो तीन ही चीज़ें बताऊँगा। एक तो सुनील जी ने तो अच्छा काम किया ही है और आपको एक बात जानकर और अच्छा लगेगा कि आपने जो भी व्यवसाय शुरू करने की इच्छा की होगी मसाले बनाने, मैंने इसलिए पूछा था कि आपने जो ट्रेनिंग लिया है उसके बाद आपने एक ईबीए सेंटर भी दिखा होगा, यहाँ पे सारी मशीनरी लगी हुई है, पंचकवे वालों ने भी दिखा होगा कुछ मशीनरी वहाँ पे लगी है। तो ये मशीनरी सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने के लिए नहीं है, आपको आपका बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपना रॉ मटेरियल सोचिए, तारीख रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वगैरह खर्चा बहुत ही कम खर्चा होता है, वो निकाल के हम आपको सुविधा आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो आपको ये सोचना नहीं कि मैंने ट्रेनिंग लिया मैं बिज़नेस कहाँ से चालू करूँ। तो बिज़नेस का चालू करने का जो शुरुआती कठिनाइयाँ हैं वो भी नहीं रहेगी और आप और आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रांग है अगर आप ट्रेनिंग के पहले मार्केटिंग कर लेते हो। आई हूँ और आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी महिला हूँ। हमें एमगिरी में आने के लिए शिव स्फूर्ति क्लस्टर ने आह्वान दिया और फर्स्ट टाइम उन्होंने हमारे आदिवासी महिलाओं तक ट्रेनिंग देने की सुविधा प्राप्त की। इसलिए मैं शिव स्फूर्ति और एमगिरी के वासियों की और एमगिरी स्टाफ की मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि एमगिरी के पूरे स्टाफ हमारे चिखलदरा तक पहुँचे और आदिवासी महिलाओं की खोज निकाली और हमें प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इसीलिए मैं सभी चिखलदरा तालुका से आई हूँ और स्फूर्ति क्लस्टर के माध्यम से आई हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं था, बहुत सी महिलाओं को सभी को यहाँ का पता नहीं था। एमगिरी में जो ट्रेनिंग होता है वो भालेराव सर की ही मेहरबानी से हम लोग यहाँ तक के पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है। हमें आंवले से बनने वाली इतनी चीज़ें बनती इसका भी कुछ पता नहीं था, हम 2-3 ही चीज़ें हमें पता थी। और यहाँ पर आने के बाद मैं अपराजिता मैम ने हमें बहुत कुछ यानी आंवले से बनने वाले 13-14 प्रकार के आइटम बताए। 15 से 19 तक की जो ट्रेनिंग हुआ तो उसके बीच में 2 दिन का उन्होंने मसाले में हमें 22 प्रकार के मसाले सिखाए। अब ये स्फूर्ति क्लस्टर के माध्यम से इनके यहाँ पर 2 दिन का जो ट्रेनिंग हुआ, मैडम वहाँ पर आए, फिर मैंने मैडम को अपनी समस्या बताई कि मेरा आंवला मुरब्बा ऐसा हो रहा फर्मेंटेशन, तो उन्होंने मुझे उसका सोल्यूशन दिया। फिर वो कम से कम वो आंवला मुरब्बा खराब होने से बच गया मुरब्बा। तो मैं सभी एमगिरी की सभी टीम का सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सुनील भालेराव जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे, नहीं तो हमें वर्धा का कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेनिंग होता ये भी किसी मालूम ही नहीं था। तो हम आज यहाँ पर सर की वजह से यहाँ तक पहुँचे, इन लोगों के सबके सपोर्ट की वजह से हम लोग बहुत कुछ सीख पाए।
इसलिए मैं एमगिरी की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और जैसे मैंने चिखलदरा क्षेत्र में एएलएफ और सीएलएफ की स्थापना की, तो सबसे ज्यादा अगर मुझे सपोर्ट किसी का मिला होगा तो वो खादी क्लस्टर का, स्फूर्ति क्लस्टर का मिला है। और सुनील जी भालेराव साहब ने हमें इसके लिए बहुत सारी मदद भी की है। इस दौरान साहब ने हमारा एमयू कर लिया और हम खादी के साथ जुड़ गए खादी। तो चिखलदरा मेडिया क्षेत्र में शांगानी साहब, अपराजिता मैडम, दीप वर्मा सर और शर्मा मैम, ये सब लोग जब चिखलदरा क्षेत्र में आए और हमने जो प्रशिक्षण लिया तो 200 महिला ने हमें बहुत सारा प्रतिसाद दिया। वो प्रतिसाद के तहत बहुत अच्छा प्रशिक्षण भी हुआ। तब जाके हमारे मेलघाट क्षेत्र के महिलाओं को पता चला कि सभी एमगिरी के पूरे स्टाफ का अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और स्फूर्ति क्लस्टर को मैं बहुत सारा अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ये संधि हमें उपलब्ध करके दी है। और मैं सभी श्रोता वर्ग से ये विनंती करता हूँ कि एमगिरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे